दोस्तों आज बात करते हैं मेसोमोर्फिक स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल। ये लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है? दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल को समझने के लिए हमें पहले स्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टल क्या होते हैं? तो याद रखेंगे ये सॉलिड्स में होते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसका एटॉमिक अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है क्या कहलाता है? क्रिस्टल। यानी कि किसी भी पदार्थ का या सब्सटेंस का या मटेरियल का जो पीरियोडिक या एटम का जो अरेंजमेंट होता है, मींस उनके बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियर फोर्सेस, अगर ये सभी सेम होते हैं हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल। और याद रखेंगे ये क्रिस्टल लिक्विड में भी कई बार मिल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल। यानी किसी लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड्स की पीरियडिक अरेंजमेंट सेम मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। तो याद रखेंगे ये जो स्टेट है मैटर की, एक स्टेट है जो सॉलिड्स और लिक्विड के बीच में बनती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड क्रिस्टल बनता है, उसके बाद में लिक्विड बनता है। तो इसको हम कह सकते हैं द स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नोन एज मेसोमोर्फिक स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल। याद रखेंगे ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर मीडियम नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि जैसे ही हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स का, तब क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर लिक्विड बन जाता है, लेकिन नॉन ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है। उसके बाद में हम फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फिर बन जाता है वो प्योर ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट लिक्विड बना था कहाँ पर? क्रिस्टल और लिक्विड के बीच में, यानी कि सॉलिड्स के और लिक्विड के बीच में एक स्टेट ऐसी आती है जहाँ पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हम ये कह सकते हैं कि वो नॉन ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, और उसी को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। याद रखेंगे लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल से यानी कि सॉलिड्स से मिलती हैं। अब ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो सॉलिड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि उनके पीरियडिक अरेंजमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, रेगुलर मैनर में होते हैं। तो अगर हम जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला है क्रिस्टल, पीरियडिक अरेंजमेंट सेम है, उसके बाद में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और लिक्विड बनता है और अरेंजमेंट ख़त्म हो जाता है। आप ये बीच में जो देख रहे हैं नेमेटिक और इस्मेटिक, ये लिक्विड क्रिस्टल के ही एग्जाम्पल हैं। इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस फिगर को देखकर, क्रिस्टल यानी कि सॉलिड्स और लिक्विड के बीच की वह स्टेट जिसमें लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? लिक्विड क्रिस्टल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेसोमोर्फिक स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड्स और लिक्विड के बीच में एक स्टेट मिलती है जिसको हम कह सकते हैं, याद रखेंगे मेसोमोर्फिक स्टेट। यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला है क्रिस्टलाइन, लास्ट वाला है आइसोट्रोपिक यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन, और ये बीच में जो मिल रहा है इसी को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल की क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल एक स्टेट है जो सॉलिड्स और लिक्विड के बीच में मिलती है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स जैसी होती हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड जैसी होती हैं। जैसा कि अगर बात करते हैं यहाँ पर ये टू टाइप के होते हैं, नेमेटिक एंड इस्मेटिक। तो लिक्विड क्रिस्टल टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक अरेंजमेंट। याद रखेंगे जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स लेयर में होते हैं और एक पैरेलल क्रम में होते हैं उनको तो हम कहते हैं इस्मेटिक, जैसा कि आप देख रहे हैं बिटवीन। और जहाँ पर अगर बात करते हैं पैरेलल तो होते हैं लेकिन लेयर के रूप में नहीं होते हैं, हम उनको कहते हैं नेमेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक अरेंजमेंट लिक्विड क्रिस्टल टू टाइप के होते हैं, नेमेटिक एंड इस्मेटिक। ऐसे क्रिस्टल जिनमें पीरियडिक अरेंजमेंट सेम होता है, लेयर्स होती हैं और पैरेलल में एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या कहलाते हैं? नेमेटिक। और जिनके अंदर आप देख सकते हैं नेमेटिक में अगर बात करते हैं जिनके अंदर पैरेलल में तो होते हैं लेकिन लेयर्स नहीं होती हैं क्या कहलाते हैं? नेमेटिक। तो इट मीन्स लिक्विड क्रिस्टल टू टाइप के होते हैं। और ये होते क्या हैं? तो ये ओनली क्या है, स्टेट है लिक्विड और सॉलिड के बीच की। टू टाइप्स के होते हैं नेमेटिक और इस्मेटिक। याद रखेंगे नेमेटिक जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत यूजेबल हैं, उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप देख सकते हैं सॉलिड्स एकदम क्रिस्टलाइन है, लिक्विड क्रिस्टल लिटिल बिट चेंज है, और लिक्विड क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। तो याद रखेंगे अगर किसी सॉलिड्स का हम एक काम करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो लिक्विड बनना स्टार्ट होते हैं,
और एक ऐसा लिक्विड बनता है जहाँ पर नॉन ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जिसको हम कहते हैं मेसोमोर्फिक स्टेट। उसके बाद में अगर टेम्परेचर ओवर इंक्रीज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं लिक्विड, यानी कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड। तो ये बीच में मिलने वाली स्टेट होती है मेसोमोर्फिक स्टेट, जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और ये टू टाइप के होते हैं, नेमेटिक और इसमेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियडिक अरेंजमेंट। जिनका पीरियडिक अरेंजमेंट बिल्कुल सॉलिड जैसा होता है लेयर में पैरेलल क्रम में, तब तो कहलाते हैं इसमेटिक। और पीरियडिक अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज होता है लाइक लिक्विड, तब हम तो उसको कहते हैं नेमेटिक। और एक क्रिस्टल इनके बीच में भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्लस्ट्रिक, नेमेटिक और इसमेटिक के बीच में। तो मुझे उम्मीद है आपको लिक्विड क्रिस्टल अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो याद रखेंगे नेमेटिक क्रिस्टल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये LCD में यूज़ होता है, डिजिटल क्लॉक में यूज़ होता है, कैलकुलेटर में यूज़ होता है, यानी कि आपने नाम सुना होगा LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो याद रखेंगे वो इसी स्टेट के एप्लीकेशन हैं। अब बात यह है ये बनते किसके हैं। तो याद रखेंगे इस नेचर में बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों अब हमें ये जानना है कि लिक्विड क्रिस्टल होते क्या हैं। तो नेचर में पाए जाने वाले एस्टर और ईथर्स इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सभी मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। ओनली किन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है? एस्टर और ईथर, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर के चेंज करने पर जो शो करते हैं उनको बोलते हैं एस्टर और ईथर। एस्टर और ईथर में यह प्रॉपर्टी पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फोर्थ स्टेट, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये किस किस के बीच में आती है? ये सॉलिड्स और लिक्विड के बीच में टेम्परेचर चेंज करने पर आती है। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे LCD, डिजिटल वॉच यानी घड़ी, कैलकुलेटर्स, डिस्प्ले बनती हैं इसकी बहुत सारी, और सभी एप्लीकेशन होते हैं नेमेटिक के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक